नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय हम भिवंडी के धामनकर नाके चौक पर है, जहां आपको बता दें कि आज धामनकर नाका मित्र मंडल स्वाभिमान सेवा संस्था के जो यहां पर राम मंदिर की झांकी बनाई गई है, इसका उद्घाटन विशेष तौर पर आपको बता दें कि पूर्व सांसद डॉक्टर किरीट सुमैया के हाथों से किया गया है। आपको बता दें कि किरीट सुमैया आज यहाँ उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में इस पंडाल का जो मुख्य द्वार था उसे खोल दिया गया, यानी कि गणेश भक्तों के लिए द्वार को खोल दिया गया। बात की जाए तो स्वाभिमान सेवा संस्था और धामनकर नाका मित्र मंडल के जो अध्यक्ष हैं संतोष शेट्टी, इनके माध्यम से पिछले 34 सालों से इसी तरह के विभिन्न तरीकों के झांकियों का निर्माण किया जाता है। इस बार जो है अयोध्या के राम मंदिर का यहाँ पर झांकी का निर्माण किया गया, मंदिर का निर्माण किया गया, जहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरती से इसे बनाया गया है। लगभग हजारों मीटर कपड़ा जो है इस मंदिर में लगाया गया है, साथ ही साथ हजारों बांबू का उपयोग किया गया है। साथ ही मैं कैमरामैन को बोलूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह से संतोष शेट्टी ने कोरोना काल में जो लोगों की सहायता, लोगों की मदद की है, वो पूरी यहाँ पर बैनर के माध्यम से जो है लोगों को जताने का, लोगों को दर्शाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता का यहाँ पर एक जो बैनर यानी कि संदेश देने का भी कार्य किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने जो कार्य किया है उस कार्य को भी बताने की पूरी जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगी लाइटों से इस पूरे चौक को दुल्हन की तरह सजाया गया है। विशेष तौर पर बता दें कि धामनकर नाका मित्र मंडल स्वाभिमान सेवा संस्था के अध्यक्ष संतोष शेट्टी के साथ जो उनके लगभग आपको बता दें कि 500 से भी अधिक जो टीम है वो टीम ये सारे काम को अंजाम देती है। आज यहाँ पर किरीट सुमैया की उपस्थिति देखने को मिली। साथ ही साथ आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता यहाँ पर आरती पाटिल मौजूद थे, भिवंडी पुलिस परिमंडल 2 के DCP योगेश चौहान जी थे, उनके साथ में भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शंकर इंदिरकर भी दिखाई दिए। साथ ही साथ विधायक महेश चौगले भी यहाँ पर मौजूद थे। सभी लोगों ने अपने वक्तव्य में शहर के विकास के कार्य को लेकर क्या कहा, हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडाल बनाया गया है, इस पंडाल में अब आपको बता दें कि आज की शुरुआत की गई है। शुरुआती दरमियान यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हैं दर्शन के लिए। लगभग 10 दिनों तक की यहाँ पर जो है विभिन्न तरीकों का कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन, साथ ही साथ आपको बता दें कि सिलाई मशीन वृद्ध महिलाओं के हाथों से यहाँ पर काफ़ी जो है अलग अलग तरीके से कार्यक्रम किया जाएगा। कई सामाजिक संगठनों का स्वागत सम्मान किया जाएगा, कई राजनीतिक दलों का सम्मान किया जाएगा, यानी कि विभिन्न तरीकों का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया जाता है। फिलहाल हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर में आज जो आपको बता दें कि धामनकर नाका मित्र मंडल द्वारा जो राम मंदिर का निर्माण किया गया था, जो झांकी बनाई गई थी, उसका उद्घाटन किस तरह से आप देख सकते हैं कि धूमधाम से संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। बप्पा का आप देख सकते हैं कि भव्य जो है उद्घाटन किया गया। उसके दर्शन संतोष शेट्टी जी ने धामनकर नाका गणेशोत्सव में हमें करा दिए। मुझे अभिमान है कि संतोष शेट्टी हमारा सहकारी है। एकनाथ जी शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में वापस महाराष्ट्र में हिंदुत्व की सरकार बनी है। अब गणेशोत्सव होगा या नवरात्र उत्सव होगा या दीपोत्सव होगा, सब उत्साह के साथ में किए जाएंगे। संतोष शेट्टी जी ने मुझे जो एक गदा दी है, वो जो महाराष्ट्र सरकार के पिछली सरकार के घोटालों का जो एक स्मारक दापोली में अनिल परब के ट्वीन रिसोर्ट के नाम पर खड़ा है, ये गदा लेकर दिवाली तक वो घोटाले के स्मारक को हम जमीन दोस्त कर देंगे। या आज गणराय के आशीर्वाद के साथ में मैं संकल्प व्यक्त करता हूँ। देखावा जो है श्रीराम मंदिराचा, या प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित माननीय श्री किरीट सुमैया जी, सर्व या मंडळाचे पदाधिकारी, त्याचप्रमाणे सर्व या परिसरातील जनता, मित्रांनो,
भिवंडी सारख्या शहरामध्ये वेळोवेळी सर्व संपूर्ण देशामध्ये महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबतीतच चर्चा होत असते की इथे काही होतं, कशा इलेक्शन्स येतात, इथले लोक कसं राहतात, कशा पद्धतीने जीवन जगत असतील, इथलं सगळं कल्चरल वातावरण. परंतु गेल्या 2 वर्षापासून कोविडने जो थैमान घातला होता, त्यानंतर यावर्षी मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गणेश चतुर्थीच्या पूर्ण भिवंडीवासियांना, देशवासियांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि आजच्या या कार्यक्रमात उपस्थित माजी खासदार माननीय किरीट सोमाजी, आरसी पाटीलजी, भिवंडी शहर डिस्ट्रिक्टचे DCP चव्हाण साहेब आणि धामणकर नाका मित्रमंडळाचे अध्यक्ष माननीय सतोष शेट्टी साहेब, सिनियर साहेब आणि पूर्ण स्वाभिमान धामणकर नाका मित्रमंडळ, स्वाभिमान सेवा संस्था, सगळे कार्यकर्ते. कारण का आता कोविड गेल्यानंतर आता सगळीजणं उत्सव साजरा करायला बाहेर निघालेले आहेत आणि त्याच्यासाठी लक्ष ठेवण्यासाठी आज ज्या आणि आम्ही माझ्या फंडाचा 50 लाख रुपये दिले का पूर्ण भिवंडी शहरात CCTV कॅमेरे लागावे. कारण का भिवंडी शहर वारंवार कुठल्या ना कुठल्या वादात पण असतो आणि या मोठ्या मोठ्या चोऱ्या का कुठल्या गाडी चोर का चैन स्नॅचर असे चिकार लोक, म्हणजे इकडे लोकांना त्रास आहे. त्यामुळे CCTV लावल्याने हे सगळं एकदम म्हणजे एकदम कमी ना होणार, पण जास्तीत जास्त कमी होईल आणि लोक पण खुल्या मनाने बाहेर येतील, सोनं घालून निघतील. कारण का आजकाल सोनं पण नकली घ्यायला लागले कारण या चोरांमुळे, म्हणून ते पण होईल. म्हणून एक चांगली काम हे आता म्हणजे याचा 2-3 महिन्याचे CCTV पूर्ण भिवंडीत लागतील असा माझा विश्वास आहे. आणि त्याच्यात पण आता गेले 2.5 वर्ष पूर्ण भिवंडी शहरातले सगळी कामं बंद पडलेली होती, पण आज देवेंद्रजींची आणि शिंदेसाहेबची नवीन सरकार आले, त्यांनी परत सगळी कामं सुरुवात केली. कारण का आपला मोठा प्रोजेक्ट होता काय, मेट्रोची कामं. कारण का मेट्रो आपण हे करत होतो आणि भिवंडी ठाण्यापासून मुंबईपासून जवळ असल्याने आपल्याकडेच मेट्रोचं काम ठप्प झालेलं होतं, पण आता हे पुढच्या काळात ते मेट्रोचं काम पण जोरात चालू होईल. कारण का मेट्रो 2023 चालू होणार होती, पण या 2.5 वर्षाच्या गॅपमध्ये ते मेट्रोचं काम पुढे ढकललं झालं. म्हणून चांगली कामं हे करते, पण आता सरकार पण चांगलं आलं आहे. मी बाप्पाच्या त्यांनी प्रार्थना करतो, ही जेवढी भिवंडीकरांची जी कामं आहेत, जी अतिशय गरजेची आहे, ती लवकरात लवकर या सरकारच्या माध्यमातून पूर्ण होतील. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. लोकमान्य टिळक यांच्या कृपेने गणपती उत्सव साजरा झाला आणि म्हणून त्या टिळक साहेबांच्या खरोखर आशीर्वाद आणि प्रेम संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जगामध्ये पाहण्याच्या दृष्टीने आपल्याला गणपतीच्या रूपाने पाहायला मिळतो. आणि याच दिवशी टिळक साहेबांचं नाव लक्षात येईल या गणपतीच्या नावाने आपल्याला पाहायला मिळतो. मी मुद्दाम सांगणारे गणपती देवा फार भावीत आहे आणि सामाजिक दृष्टीने खरोखर ईश्वर म्हणजे राजिष्ठा असा आपला देव आहे. तिथे कोणी कामं केली त्याला ते पाहणार नाही. जय जय श्रीराम. जय जय श्रीराम. जय जय श्रीराम. हे काम तंतोतंत करू शकतो. मला तर महेश चौगुडे आपल्या आमदार सांगत होते की तो 18 वर्षाचा होता त्यावेळी पण अशीच काहीतरी कल्पना करायचा आणि 38 वर्षानंतर पण आता भव्य रामाचं मंदिर ची प्रतिकृती हे संतोष शेट्टी उभं करू शकते. आज आपण पाटील साहेब, आज आपण त्या रामाचा जो तिथे मंदिर होतोय त्याची एक छोटीशी कृती पाहतोय
परंतु नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की थे जे राम मंदिर उभो करता है ना ते बगीचा नंतर 5 वर्ष तक कलंक निघून जाणार आणि पुन्हा एकदा हिंदुत्वाचा जन्म झालेला आहे हे लोकांचा प्रतिती होता। काल बाबा रामदेव अपने मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदेना भेटायला गेले होते आणि बाहेर पडल्यानंतर पहिलं वाक्य काय सांगितलं, आता महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा हिंदुत्व जागा झालं आहे। खुर्ची झाली ज्यांनी हिंदुत्वाला झोपवलं होतं त्यांना किरीट सोमयांनी झोपवून दाखवलं आहे। पुन्हा एकदा गणेश स्तोत्र पहा तुम्ही ठिकठिकाणी चढलो होता, लाखो गणेश भक्त रस्त्यावर आहेत आणि गणेशाची पूजा अर्चना केल्यानंतर गणेश प्रसन्न झाला की सगळे विघ्न दूर होता। महेश तुझंही विघ्न दूर होणार। काल मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा ती मुंबईची मेट्रो रुळावर आणली आहे, पुढच्या काय आठवड्यात भिवंडीची मेट्रो पण रुळावर येणार। विकास विकास कुठला, किसे भरण्याचा विकास नाही तो विकास गेला 2.5 वर्षात जयराम दिली आज ठेवत राहिलं आहे। त्याचा यांनी मला कामाला लावलं, गदा हातात दिली माझ्या। आधी जे का हातात हातोडा आहे तो हातोडा सांभाळून ठेवला आहे। जे महाराष्ट्राचा घोटाळ्यांचा प्रतीक जे ट्विन रिसोर्ट अनिल परबचं उभा आहे ना, मी काल PWDचे मुख्य अधिकाऱ्यांशी बोललो आहे, श्रीमती छाया नाईक उद्या त्याची जी काय म्हणतो आपण टेंडर निघतो ना, ते टेंडर प्रक्रिया सुरू होणार। 5-15 दिवसात टेंडर प्रक्रिया संपणार आणि दिवाळी अनिल परबचं ट्विन रिसोर्ट त्याच्यावर ही गदा पडणार। महाराष्ट्राचा भ्रष्टाचाराचा प्रतीक हे संपवणार। आम्ही गणरायाला प्रार्थना करतोय की गेले 3-3.5 वर्षात जेवढं महाराष्ट्र मागे गेलं नेते पुढे गेले आणि सामान्य माणूस की मेट्रो कुठेतरी रखडली, ते शेतकरी ना विचारांना त्यांना किती आत्महत्या त्यांच्या वाढल्या। आता एका बाजूला एकनाथ आणि दुसऱ्या बाजूला देवेंद्र, आता खरं महाराष्ट्राच्या विकासाची गाडी ही रुळावर सुरू झाली आहे। संतोष भैया मैं आपको एक ही बात कहूंगा, क्या विकास 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 भिवंडी का विकास भी करके दिखाएंगे और महाराष्ट्र को पुनः एक बार देवेंद्र एकनाथ की जोड़ी पहला नंबर का राज्य बनाकर दिखाएंगे, यह आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र।